एक नौकरी एक भर्ती, एक इम्तिहान एक परिणाम, एक नियुक्ति पत्र का इंतजार। लेकिन ये इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ता है। जब सड़कों पर प्रदर्शन होता है तो पुलिस की लाठियां चलती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमने पिछले महीने बिहार में देखा था, लेकिन उससे भी विभत्स नजारा हमने उत्तराखंड में देखा, जब सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक के मामले में और पुलिस उन पर जमकर लाठियां बरसाई। उसके बाद विवाद बढ़ा, खबरें चली, सियासत बढ़ी और कानून बना। जी हाँ, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया। उत्तराखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसारित किया गया था। इस अध्यादेश में दोषियों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संसाधन आदि अनुसूचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या फिर अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में पकड़ा जाता है तो उसके लिए 3 साल के कारावास के साथ न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और यदि वह परीक्षार्थी दोबारा दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में फिर दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोष सिद्ध ठहराए जाने की दशा में 10 साल के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः 5 से 10 साल के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। ये तो हो गया कि सरकारी परीक्षाओं में धांधली करने पर छात्रों का हल्ला बोल जब हुआ, जब पुलिस की बर्बरता दिखी उसके बाद कानून बना, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी अभ्यर्थियों की मांग है कि सीबीआई जांच हो और क्यों कोई भी भर्ती निकलती है तो बिना पेपर लीक हुए वो भर्ती पूरी क्यों नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।